हेलो गाइज़ हमारे सी प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है आज हम देखने वाले हैं कि सी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं सी में अपना पहला प्रोग्राम है तो सबसे पहले क्या करना है आपको कंपाइलर ओपन करना है मैंने यहाँ पे कंपाइलर को ओपन किया है डबल क्लिक करके तो मैं यहाँ पे कंपाइलर को ओपन कर लेता हूँ फिर आपको क्या करना है आपको आ, आ, कोई भी प्रोग्राम करने से पहले आपको फाइल में जाना है न्यू फाइल बनानी है यहाँ पर आप शॉर्टकट की कंट्रोल एन का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे फाइल बना ली फिर क्या करेंगे हम प्रोग्राम को टाइप करेंगे उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे हमने प्रोग्राम को टाइप कर लिया अब जो सबसे पहले लाइन पे हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट में दिया हुआ है मैंने एच टी डी आई ओ डॉट एच एक क्या लाइब्रेरी है प्री डिफाइन लाइब्रेरी है उसमें इस लाइब्रेरी में कुछ फंक्शन है जैसे कि प्रिंटर फंक्शन हमने यूज़ किया है भाई उसकी जो डेफिनेशन है वो वो लाइब्रेरी में यूज़ किया है उसका लाइब्रेरी का सिंटैक्स कैसा है हैश इंक्लूड जो भी लाइब्रेरी होंगे वो एंगुलर ब्रैकेट में देना है आपको उसका जो एक्सटेंशन है वह डॉट एच है लाइब्रेरी का ये जो एक प्री डायरेक्टिव है अब जो तीसरे जो अगला है इंट मेन एक मेन का एक फंक्शन है हमारे सिर्फ प्रोग्राम में जितने भी प्रोग्राम होंगे उसमें एक मेन फंक्शन रहेगा मतलब सी का हर प्रोग्राम मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है मतलब आपको मेन फंक्शन लिखना कंपलसरी है इसमें क्या दिया हुआ है यह कि एक यहाँ पर एक इंट है इंट एक डेटा टाइप है आपको अभी से कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है हम आगे चल के डेटा टाइप क्या होते हैं वो सीखने वाले हैं आप अभी थोड़ा सा इसको समझिए इंट का एक डेटा टाइप है और एक मेन फंक्शन है और जो भी कोडिंग होगी वो ये करली ब्रेसेस के अंदर ही होंगी यहाँ पे ये जो करली ब्रसेस स्पेसिफिक ओपनिंग करली ब्रेसेस है यहाँ पे हमारा स्टार्ट प्रोग्राम स्टार्ट होता है यहाँ पे जो करली ब्रेसेस है वो यहाँ पे हमारा जो क्लोजिंग है यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड होता है उसमें क्या लिया हुआ है मैंने एक फंक्शन लिया हुआ है प्रिंटअप जो कि अवेलेबल है ये एच टी डॉट एच लाइब्रेरी में उसमें हमने एक स्टेटमेंट लिखा है वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल उसमें क्या है कि उसमें जो भी सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है डबल कोड में लिखा हुआ है आप जो भी कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू होंगी अब स्ट्रिंग क्या है, एक डेटा टाइप है वो भी हम आगे चल के देखने वाले हैं उसमें क्या दिया हुआ मैंने एक सेंटेंस दिया हुआ है फिर बाद में क्या मैंने फंक्शन का हमारा वर्क होना हुआ सेमीकोलन दिया हुआ है यहाँ पर सेमीकोलन स्पेसिफाई करता कि आपका ये स्टेटमेंट है वो यहाँ पे एंड हो गया फिर उसके बाद यहाँ पे आपने ये देखा होगा डबल स्लैश प्रिंटअप फंक्शन ये एक कमेंट है इसे सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं और जो हमारे सी प्रोग्राम में दो टाइप के कमेंट अवेलेबल है एक सिंगल लाइन और एक मल्टी लाइन हम मल्टी लाइन भी कमेंट आगे जाके देखने वाले हैं अभी आप सिंगल लाइन कैसे देते हैं वो यहाँ पे देख लेना डबल स्लैश करके आपको जो भी मतलब एक डेवलपर के लिए एक रेफरल के वो अगर कुछ वहाँ पे शॉर्ट में नोट्स लिखने उसके काम के लिए आता कंपाइलर इसको इग्नोर करता है कमेंट के लिए फिर जो बाद में आप देखते हैं रिटर्न ज़ीरो ये जो इंट है ना ये इसका मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप हमने इंट दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या करेगा एक रिटर्न वैल्यू करेगी इंटीजर में रिटर्न करेंगे उस फंक्शन को उसके काम होने के बाद अब रिटर्न ज़ीरो क्यों लिखे है हमने रिटर्न ज़ीरो इसलिए लिखा है कि अगर मेन फंक्शन अगर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो ये हमें रिटर्न ज़ीरो प्रोवाइड करता है अगर ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होता है तब हमें ये रिटर्न वन प्रोवाइड करते हैं तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम प्रोग्राम को सेव करेंगे आपको फाइल में जाके सेव करना है आप शॉर्टकट की भी यूज करते कंट्रोल प्लस एस फिर आपको क्या करना है फाइल नेम आपको यहां पे जो आपको फाइल नेम देना है आप दे सकते हैं मैं यहां पे देता हूं हेलो हेलो वन डॉट सी क्योंकि हेलो डॉट सी वाली मेरी ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो मैं हेलो वन डॉट सी देता आप कुछ भी नाम देख सकते लेकिन जो उसका एक्सटेंशन है डॉट सी से देना है फिर आपको क्या करना है सेव एज टाइप सी करना है डॉट सी वाली सेकंड वाली फिर आपको क्या करना है सेव पे क्लिक कर देना है फिर आप जैसे ही सीओ पे क्लिक करता है उसके बाद हमें क्या करना है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले एग्जीक्यूट करने से पहले हम कंपाइल करते हैं कंपाइल कर लेंगे तो उसमें क्या समझेंगे आपको एरर्स और कुछ वार्निंग्स है क्या तो क्या करना है आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट का टैब देखते होंगे आपको इस पर क्लिक करना है फिर आपको कंपाइल पर क्लिक करना है आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते यफ़ नाइन जो कि एक फंक्शन की है फिर कंपाइल पर क्लिक करने के बाद आपका प्रोग्राम कंपाइल होना चालू हो जाता है यहाँ पे देखो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल कम्पाइल होगा यहाँ पे जीरो एरर्स है और कोई भी वार्निंग नहीं है फिर कंपाइल होने के बाद हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे रन करेंगे रन करेंगे या तो फिर आप डायरेक्टली कंपाइल एंड रन कर सकते हैं मतलब कंपाइल भी होगा और उसके बाद अगर कुछ एरर नहीं होंगे तो वो डायरेक्टली रन होगा लेकिन अगर आप अगर बिगिनर है तो वो कंपाइल और रन सेपरेट सेपरेट यूज़ करिए तो उसके बाद हम रन पे क्लिक करते हैं जैसे ही हम रन पे क्लिक करते हैं तो देखो हमारा जो कंसोल है ये जो हमारा कमांड प्रमुख का कंसोल है यहाँ पे जो मैं हमने प्रिंटर फंक्शन में जो हमने स्टेटमेंट लिखा था वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल वो यहाँ पे आ गया और आप देख सकते हैं यहाँ पे यह रिटर्न वैल्यू ज़ीरो की है उसने क्योंकि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है तो अब अब हम देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है मतलब इंटरनली वर्क कैसे होता है तो सब चलिए देखते हैं कैसे कंपाइलर प्रोसेस इन सी मतलब कंपाइलर प्रोसेस कैसे होते हैं जो भी हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस में क्या होता है हमारा जो सोर्स कोड है जो कि हमने हेलो वन डॉट सी से लिखा था यहाँ पे सपोज मेरी एक फाइल है हेलो डॉट सी वो सेम ही है प्रो कोड सेम ही है तो क्या करेंगे हमारा सोर्स कोड है ये हमारा ऑब्जेक्ट कोड है मतलब ये मशीन कोड के फॉर्म में जैसे कि जीरो वन जीरो वन मतलब ये कंपाइलर की प्रोसेस है मतलब जो हमारा सोर्स कोड है वो ऑब्जेक्ट कोड में हमें कंपाइलर कन्वर्ट करके देता है एग्जीक्यूटिव कोड में तो कंपाइलर प्रोसेस में क्या चार फेजेस है जैसे प्री प्रोसेसर कंपाइलर असेंबलर एंड लिंकर प्री प्रोसेसर क्या करता है जो हमारी हेलो डॉट सी की फ़ाइल थी या तो फिर हेलो वन डॉट सी जो भी हमारा सोर्स कोड की फाइल होंगी वो प्री प्रोसेसर में आती है फिर प्री प्रोसेसर क्या करता है वो फाइल को हमें एक्सपांडेबल में कन्वर्ट करता है उसे कंपाइलर के पास भेज देता है फिर कंपाइलर क्या करता है उसे असेंबलर के पास कंपाइलर uh, क्या होता है उसे असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है फिर असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद उसे लिंकर के पास भेज दिया जाता है फिर लिंकर क्या करता है जो भी प्री डिफाइन लाइब्रेरी होंगी कंपाइल की भी उसे और हमारा हमारा जो सोर्स कोड की जो हमारा कोड है उसको कंबाइन करके एक एक हमें लोडर के पास भेज देता है उसकी जो एग्जीक्यूटिव कोड के फॉर्म में उसका जो एक्सटेंशन बनेगा हमारा हेलो डॉट ईएक्सी मतलब ये डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है इससे पहले प्री प्रोसेर के आप पास आता है प्री प्रोसेसर फिर उसको एक्सपांड करता है फिर उसे कंपाइलर के पास भेजा जाता है फिर उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है फिर उसके बाद असेंबली लैंग्वेज में उसके पास लिंकर के पास भेजता है फिर लिंकर क्या करता है जो भी हमारा प्री डिफाइन लाइब्रेरी का जो भी कोड होगा और जो हमारा कोड होगा एग्जीक्यूटिवल कोड उसे कंबाइन कर देता है फिर हमारा तब जाके एक हेलो डॉट ई हमें फाइल मिलती है जो कि ई एक्सी फाइलें विंडोज में सपोर्ट करती है तो वो आगे जाके वो एग्जीक्यूटिव फॉर्म में होती है फिर आपकी फाइल रन होती है ओके गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं अगर आपके बैचन में कोई भी होगा जो आपको जिसको सी प्रोग्रामिंग सीखनी है अच्छे से वो उसको ये लिंक शेयर कर सकते हैं